हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। आज बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए नमक, काली मिर्च पाउडर, चिकन तंदूरी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, दही, अदरक लहसुन पेस्ट, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर और चिकन। एक बर्तन में दही ले जाएंगे। दही में नमक स्वाद अनुसार ले जाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तंदूरी मसाले, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच डालकर सभी चीज़ों को मिला देंगे। दो चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। दही के मिश्रण के साथ चिकन डाल देंगे। यहाँ पे बोनलेस चिकन ली हूँ। कैप्सिकम, टमाटर, प्याज को स्क्वायर साइज में काट कर रखी हूँ, इसको भी डाल देंगे दही के साथ। सभी चीज़ों को अच्छे से दही में मिक्स कर ले। एक बर्तन में चिकन को रखकर मैरिनेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। एक स्टिक ले जाएंगे। कैप्सिकम, प्याज, टमाटर और चिकन को स्टिक में लगा देंगे। अच्छी तरह स्टिक में गूंथते जाएंगे। इस तरह सभी चीज़ों को स्टिक में लगा देंगे। एक नॉनस्टिक पैन ले जाएंगे। नॉनस्टिक पैन चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। बटर थोड़ा डाल दे, ब्रश से ग्रीस कर ले। चिकन स्टिक को पैन के ऊपर डाल देंगे। जल्दी होने के लिए कवर ढककर कुक कर सकते हैं। एक तरफ कुक होने के बाद चिकन को पलट देंगे। आप ऐसे ही खा सकते हैं चिकन टिक्का को, मगर चिकन टिक्का को तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए मैं थोड़ा गैस के ऊपर सेक लूँगी। आप थोड़ा ऑयल या बटर से ब्रश करके गैस में सेक सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप एक ही साथ 4 स्टिक को रख सकते हैं। हमारा तैयार हो गया है चिकन टिक्का। आप चिकन टिक्का को चाट मसाला के साथ सर्व कर सकते हैं।
आप चिकन टिक्का को हरी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं।